नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाए हूँ, जिसे आप एज अ बॉर्डर या एज अ डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सम की संख्या में फंदे चाहिए। तो ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से बन रहा है, तो बॉर्डर बनाने के बाद आप रॉन्ग साइड में आ जाएंगे और पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर शेष फंदे सीधे बाकी सभी फंदे लास्ट फंदे को छोड़कर हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा बना लेंगे। और यह हमारा डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। और सामने से पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे और तीसरे फंदे को देखिए, यहाँ हम जब बुनाई करते हैं तो हम यहाँ डालते हैं सिलाई, लेकिन अब की हमें ये देखिए ये उल्टा फंदा बना हुआ है, तो इसके नीचे हम सिलाई डालेंगे। यहाँ देखिए इसके नीचे हम सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर से देखिए जब हम नॉर्मली बुनाई करते हैं तो हम सिलाई में जहाँ पर फंदा रहता है उसमें बुनाई करते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में हम ये देखिए उल्टा फंदा बना हुआ है, इसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, अगला फंदा एक सिलाई नीचे हम सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा। तो इस तरह हम इन्हीं दोनों फंदों को पूरी लाइन में दोहराएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा एक सिलाई नीचे, ये देखिए उल्टा फंदा बना है, तो इसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा सीधा, थर्ड रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा उल्टा और शेष सभी फंदे सीधे लास्ट फंदे को छोड़ के। और लास्ट फंदा उल्टा, फोर्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा और नेक्स्ट फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डाल के फिर सीधा बुनेंगे, अगला फंदा सीधा। यानी जिस फंदे में हमने एक सिलाई नीचे सिलाई डाल के सीधा बुना था, उसी फंदे को इस लाइन में भी हम एक लाइन नीचे से ऐसे बुनेंगे, अगला फंदा सीधा। इस फंदे को हमने नॉर्मली सीधा बुना था तो इसे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, और इस फंदे को हमने एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा बुना था तो इसे हम एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा बनाएंगे। यानी हम अपना फर्स्ट रो ही रिपीट कर रहे हैं, एक फंदा सीधा, एक फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा, एक फंदा सीधा और अगला फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा। देखिए इस फंदे को हमने नॉर्मली सीधा बुना था तो इसे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, और इस फंदे को हमने एक लाइन नीचे सिलाई डाल के इसे सीधा बुना था तो इसे एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा बुनेंगे। फर्स्ट रो को ही हम अपना रिपीट कर रहे हैं, सॉरी सेकेंड रो को ही हम अपना रिपीट कर रहे हैं। इसी तरह करते हुए सारे फंदे कंप्लीट कर लेंगे।
और रॉन्ग साइड से पहला फंदा और आखिरी फंदा उल्टा और शेष सभी फंदे सीधे। फ्रंट साइड से हम हमेशा दूसरी लाइन को ही दोहराएंगे, दो फंदा सीधा बुन लेंगे और तीसरी फंदे को एक लाइन नीचे आके तब सीधा बुनेंगे। फिर अगला फंदा सीधा और नेक्स्ट फंदे को एक लाइन नीचे आके तब सीधा बुनेंगे। सम संख्या वाले फंदे देखिए दो, इसे सीधा बुनेंगे और जितने भी विषम संख्या वाले फंदे हैं उसे एक लाइन नीचे आके तब सीधा बुनेंगे और सम संख्या वाले फंदे इसे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। जिस फंदे को हम सीधा बुन रहे हैं उसे हर सीधी लाइन में सीधा बुनेंगे और जिस फंदे को एक लाइन नीचे आके सीधा बुन रहे हैं उसे एक लाइन नीचे आके सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए हम इन्हीं दोनों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। एक फंदे को नॉर्मली सीधा, एक फंदे को एक लाइन नीचे आके तब सीधा बुनना है। और लास्ट फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन तैयार है। सामने से ये ऐसा लग रहा है और पीछे से ऐसा दिखाई दे रहा है। दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं दोनों लाइनों को पूरे स्वेटर में दोहराना है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।